ये यहाँ दो, यहाँ दो, हेलो 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 भाई, जीरो वॉचिंग मतलब कोई है ही नहीं है क्या?
गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू गाइस एंड फॉर डिले इन द क्लास। चलिए भाई, तो बताओ जी हम लोग कहाँ पर थे और कौन सा टॉपिक चल रहा था? तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किस टॉपिक का, जल्दी बताओ क्या चल रहा था हमारी क्लास में? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट क्या, जल्दी बताओ भाई। सोनू फतेहाबाद, निशांत कुमार, दीना राम चौधरी, निशांत कुमार, आशीष, AK-47 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट तक हो गया था। हेलो सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस? तो दीना राम चौधरी, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी हमारे पास संसाधन हैं हम उनका कितने अच्छे से एलोकेशन करें, कितने अच्छे से उनका प्रयोग करें, इस स्टडी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो वित्तीय जागरूकता की, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब होता है कि जो हमारा मनी मैनेजमेंट है, ये जो हमारे पास पैसा है, तो उस पैसे को हम कितने अच्छी तरह से मैनेज कर पाएँ, सो इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल अवेयरनेस, राइट? तो इसका मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस, वित्तीय जागरूकता को हम कहते हैं, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स, ये अर्थशास्त्र का ही हिस्सा है, तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, राइट? अर्थ फाइनेंशियल अवेयरनेस, जैसे हमारे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंक में पैसे डिपॉजिट कैसे करते हैं, कैसे पैसे विदड्रॉ करते हैं, तो अगर और कैसे हम अपने पैसों को बहुत अच्छी तरह इन्वेस्ट करें सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले, तो इन सब की स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, और उसे हम कहते हैं वित्तीय जागरूकता, राइट? तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस इज़ नथिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, और ये इकोनॉमिक्स का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, पब्लिक फाइनेंस हमारा यूनिट चल रहा था जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया जिसे हम कहते हैं बजट। अब पब्लिक फाइनेंस का दूसरा यूनिट है जिसे हम कहते हैं टैक्सेशन, जिसे हम कहते हैं कराधान। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, जो भारत है, जो इंडिया है, इसका टैक्सेशन सिस्टम, इसका कराधान प्रणाली कैसी है। तो इंडिया का कराधान प्रणाली मतलब इंडिया का जो कर व्यवस्था है वो कैसे काम करती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया नाउ। तो दोस्तों, अब हम अच्छा, हाँ, गौतम राम बिहार ने एक शब्द पूछा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो गौतम राम बिहार, व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है प्रभावशाली राजस्व घाटा। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटे में माइनस कर दें, रेवेन्यू डेफिसिट से अगर हम माइनस कर दें ग्रांट्स गिवन बाय सेंटर टू स्टेट्स, केंद्र द्वारा राज्यों को दी गई ग्रांट्स, इसमें हम माइनस कर दें तो इसे हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और ये जो कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये 2011 के बजट में पी चिदम्बरम साहब ने इसको अनाउंस किया था। तो इट वॉज अनाउंस बाय पी चिदम्बरम साहब इन द बजट 2011-12। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है, एक नया टर्म भारतीय अर्थव्यवस्था में आया कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसका मतलब होता है कि जो भी रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा सरकार का आया, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है आप लोग याद करिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। लेकिन दोस्तों, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें एक पार्ट होता है ये ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये वाला हटा दें तो कितना रेवेन्यू रिसीप्ट हमारे पास कम है, उसे कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। गौतम राम बिहार जी, समझ में आ गया भैया ना? चलते हैं दोस्तों और बात आगे करते हैं। और हमने बात कर ली आज की क्लास में, बजट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, उसे हम कहते हैं टैक्सेशन सिस्टम, कराधान प्रणाली। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है, हिंदुस्तान की जो कर व्यवस्था है वो क्या कहती है, ज़रा ध्यान से देखिए। और बिल्कुल बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्ट से, और यहाँ से शुरू करते हैं, टैक्स कर किसे कहते हैं। सो व्हाट इज़ टैक्स, कर क्या है?
तो टैक्स क्या है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोले तो बिल्कुल बेसिक से। अगर किसी ने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं पढ़ी कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बेसिक से समझिए और बहुत बढ़िया से देखिए। सर आपका बैंकिंग का सेपरेट बैच कब आ रहा है? आई एम वेटिंग वेरी ईगरली। बिल्कुल जल्दी आएगा दोस्तों, चिंता मत करो, और पहले भी जो चल रहा है पहले उसे पढ़ लो अच्छी तरह। तो देखते हैं कि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ और स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि टैक्स क्या होता है और कर किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, टैक्स, टैक्स का मतलब है कि वह अनिवार्य भुगतान जो देश के लोग या कंपनीज, देश के लोग या कंपनी सरकार को पे करें, गवर्नमेंट को पे करें। दोस्तों वह अनिवार्य भुगतान जो देश के लोग या देश की कंपनियां सरकार को पे करें। सो व्हाट इज टैक्स दोस्तों? इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट अनिवार्य भुगतान मेड बाय द पीपल और बाय द कंपनीज टू द गवर्नमेंट। दोस्तों मैंने कहा वह अनिवार्य भुगतान, कंपल्सरी पेमेंट जो देश के लोग, पब्लिक और कंपनीज गवर्नमेंट को करते हैं। तो दोस्तों वह अनिवार्य भुगतान जो देश के लोगों के द्वारा या देश की कंपनियों के द्वारा सरकार को किया जाए उसे हम कहते हैं टैक्स, उसे हम कहते हैं कर। तो टैक्स या कर का मतलब है कि वह अनिवार्य भुगतान जो देश के लोग या देश की कंपनियां दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, तो वह अनिवार्य भुगतान जो देश के लोग या देश की कंपनियां सरकार को करें उसे हम कहते हैं टैक्स। क्यों हमने कहा कि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, क्यों हमने कहा कि कर एक अनिवार्य भुगतान है? तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, कर एक अनिवार्य भुगतान है, क्योंकि यदि सरकार ने मेरे ऊपर कोई भी टैक्स लागू किया है तो मैं उसकी पेमेंट करूंगा ही करूंगा। चाहे मैं उसकी पेमेंट डायरेक्टली करूं या मैं इनडायरेक्टली करूं, लेकिन मुझे पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए दोस्तों टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, कर एक वह अनिवार्य भुगतान है जो देश के लोग या कंपनी सरकार को करें। तो अनिवार्य भुगतान इसलिए कि यदि सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया है तो मुझे उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे, इसे हम कहते हैं टैक्स। अब दोस्तों दूसरी बात कि वाई, आखिर सरकार क्यों, आखिर वाई गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स, आखिर सरकार टैक्स लगाती क्यों है या इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स किस लिए? बहुत सीधा सा जवाब है, टू कलेक्ट द रेवेन्यू, जिससे सरकार के पास राजस्व एकत्रित हो सके, जिससे सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, सरकार के पास इनकम आ सके, इसलिए सरकार लगाती है क्या? टैक्स। तो हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है उसे हमारे बजट में एटलीस्ट 70% के लगभग जो राजस्व सरकार देखती है, तो वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, याद करिए, कॉरपोरेट टैक्स 21% दोस्तों GST, बाकी का अलग से कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो जो टोटल रेवेन्यू सरकार कलेक्ट करती है वो कहाँ से करती है दोस्तों? टोटल रेवेन्यू का एटलीस्ट 70% राजस्व जो आता है वो आता है सरकार के पास कहाँ से? टैक्स से। इसके अलावा दोस्तों सरकार टैक्स क्यों लगाती है? सरकार टैक्स लगाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जिससे देश का विकास हो सके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जिससे देश का विकास हो। दोस्तों अगर सरकार के पास टैक्स से पैसा आएगा तो वो पैसा सरकार रोड्स बनाने पर, डैम्स बनाने पर, ब्रिजेस बनाने पर, मेट्रोज बनाने पर, इन सब पर खर्च करेगी, इसलिए सरकार लगाती है क्या? टैक्स।
तो टैक्स को लगाने के पीछे जो अनदर पर्पज है वो दोस्तों ये है कि सरकार के पास राजस्व आए जिससे सरकार देश का विकास कर पाए, और दोस्तों वो पैसे सरकार लोगों के एडुकेशन, लोगों के शिक्षा पर व्यय कर पाए। और सरकार टैक्स क्यों लगाती है? तो सरकार टैक्स लगाती है क्योंकि उस पैसे को सरकार भारत के एडुकेशन, भारत के शिक्षा के अलावा डिफेंस सेक्टर पर लगा पाए। दोस्तों ये सब तो बहुत नॉर्मल पॉइंट हुए कि आखिर सरकार टैक्स क्यों लगाती है और सरकार का टैक्स लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है। अब आपको बताते हैं थोड़े हाई लेवल पॉइंट्स कि आखिर व्हाई द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स, आखिर सरकार का टैक्स लगाने का कारण क्यों क्या है और क्यों टैक्स लगाती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स क्यों? टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, जिससे देश का जो मनी सप्लाई है, मुद्रा की आपूर्ति है, बोले तो जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, या बोले तो जो इन्फ्लेशनरी कंडीशन है, मुद्रा स्फीति की अवस्था है, इसके नियंत्रण के लिए। दोस्तों मनी सप्लाई क्या है, मैंने कई बार बताया, नहीं बताया जिसको वो ध्यान से सुनिए। मनी सप्लाई का मतलब है इस समय पूरे हिंदुस्तान में टोटल कितनी मनी है, उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। इस समय आपके जेब में कितना पैसा है, ये आपकी मनी सप्लाई। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी, इसी को बोलते हैं तरलता, या इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, इसी को बोलते हैं मुद्रा स्फीति। तो दोस्तों सरकार का टैक्स लगाने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो रीज़न है, वो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। तो दोस्तों सरकार मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए लगाती है क्या? टैक्स। क्यों? देखिए दोस्तों, अगर मान लो मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर पूरे देश में मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति मान लो बहुत ज़्यादा है, अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है इसका मतलब लोगों की जेबों में पैसा बहुत ज़्यादा है। सर को दीजिए, थैंक यू आंटी। तो अगर लोगों की जेबों में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है इसका मतलब है लोगों की जेबों में पैसा बहुत ज़्यादा है, अगर लोगों की जेबों में पैसा बहुत ज़्यादा है इसका मतलब लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा जल्दी से बताइए दोस्तों, तो अगर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो लोगों के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। ओहो, जल्दी से बताओ कितने लोग लाइव हैं, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक बार हाय बोलो, कम ऑन एवरीबॉडी। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो एक बार वो क्लच, तो जितने भी लोग लाइव हैं वो एक बार हाय बोलो, कम ऑन, जिससे मुझे भी थोड़ा लगे कि मैं किसे पढ़ा रहा, किन लोगों को, कौन कौन इस समय सुन रहे हैं मुझे। दीनाराम चौधरी, गौतम राम, दोस्तों जितने लोग इस समय लाइव हैं, सोनू फतेहाबाद, ओके, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों हाँ, सोनू फतेहाबाद, समर सोनी, AK-47, ओके, चलिए। तो ये बताइए, जैसे आपकी जो ओके आज जो फिजिक्स की क्लास रही वो कैसी रही, जल्दी से। निशान, सामरेंद्र, AK-47, नाम तुम्हारा बड़ा धांसू है भाई, गौतम राम। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि आज जो फिजिक्स की क्लास रही मॉर्निंग में, हाउ वॉज द सेशन? अभिषेक मेहता, निशांत कुमार, ओके, जल्दी से बताइए कि जो फिजिक्स की क्लास थी आज वो कैसी क्लास लगी। समर सोनी, बेस्ट रही सर, ओके दोस्तों, वेरी गुड। हाँ फिजिक्स नाइस, मस्त। सामरेंद्र, निशांत, मस्त, सो बहुत अच्छा, वेरी गुड, लवली। दोस्तों मज़ा आ गया है, नहीं बताओ भाई, जैसे कि वी प्रोमिस्ड। एंड दोस्तों दिस इज़ आर परमानेंट टीम, ये हमारी परमानेंट टीम है, और ये जो हमारे फिजिक्स के सर हैं ये डे वन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑफलाइन बैचेस में। ओके नवीन माथुर, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू मी वॉज बेस्ट, थैंक यू सो मच गौतम राम एंड नवीन एंड अभिषेक मेहता। दोस्तों ये जो हमारे फिजिक्स के सर हैं अंकुर वशिष्ठ सर, ये हमारे साथ डे वन से हैं और ही वॉज विद अस फ्रॉम द डे वन, मस्त, मज़ा आ गया, ठीक है भाई। सो दोस्तों ये डे वन से हैं और डे वन से हमारे साथ हैं और डे वन से हमारे साथ पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में। अभी इनके कुछ एग्जाम्स वगैरह थे, हमेशा की तरह मस्त थी सर, आप टेंशन ना लीजिए, पूरी टीम बेस्ट है। ओके हाँ चलिए भाई, ठीक है निशांत कुमार। तो दोस्तों ध्यान सुनिए कि देखिए दोस्तों कि
जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करने का जो रीजन है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है वो ये है। थैंक यू सो मच समर सोनी, और आपका ट्रस्ट कभी भी नहीं टूटेगा। सो इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही एडुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा हम लोग कर रहे हैं। चलिए अभी बातें बाद में करेंगे, हवाबाजी पहले पढ़ लेते हैं। तो भाई अगर पूरे कंट्री में सरकार के पास एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसे हम कहते हैं टैक्स, टैक्स सरकार ने लगा दिया कि जो लोगों के पास, थैंक यू, जो लोगों के पास मनी सप्लाई है, जो लोगों के पास पैसा है, तो उनका पैसा स्क्वीज होकर खिंचकर किसके पास चला गया, सरकार के पास। इसका मतलब इन्फ्लेशन या मनी सप्लाई लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं क्या, टैक्स। टैक्स के जरिए सरकार पूरे हिंदुस्तान के मनी सप्लाई, पूरे हिंदुस्तान की लिक्विडिटी, तरलता, अर्थात लोगों की जेबों में कब पैसा ज़्यादा रहेगा, कब पैसा कम रहेगा, क्यों ज़्यादा रहेगा और क्यों कम, इन बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं टैक्स। इसलिए गवर्नमेंट लगाती है क्या, टैक्स। दोस्तों एक और बहुत बढ़िया रीज़न है गवर्नमेंट का टैक्स लगाने के पीछे, और वो है कि वाई द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स। तो गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स टू मेंटेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, टू मेंटेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दोस्तों जो आय है, जो इनकम है, उसका वितरण इक्वल रहे, उसका वितरण समान रूप से रहे, इसलिए सरकार लगाती है क्या, टैक्स। तो गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स टू मेंटेन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री। जो देश के लोग हैं उन लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहे, इनके आय का वितरण समान रूप से रहे, इसलिए हमारे देश की सरकार लगाती है क्या, टैक्स। और इसे हम कहते हैं टैक्स लगाने का कारण, जरा ध्यान से सुनना दोस्तों। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है आय का समान रूप से या समान रूपी वितरण, अर्थात जिन लोगों के पास मनी सप्लाई, जिन लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा है, तो सरकार के पास एक टूल है, एक औजार है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, जिसके जरिए सरकार उनके ऊपर टैक्स लगा के उनसे ज़्यादा पैसा लेती है, और वो पैसों को थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, अलग अलग सरकार की स्कीम्स के द्वारा उसे गरीब लोगों तक और जिनके पास इनकम कम है उस पर पहुंचाती है, जिससे दोस्तों जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आय का वितरण है, जो असमान है, उसे समान किया जा सके, उसे इक्वल किया जा सके, इसलिए सरकार लगाती है क्या, टैक्स। तो इसे हम कहते हैं टैक्स लगाने का पर्पज या टैक्स लगाती क्यों है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आता है और मैं आप लोगों को एक टर्म सिखाता हूँ जिसे कहते हैं टैक्स हैवन। टैक्स हैवन का मतलब होता है वे कंट्रीज जहाँ की सरकार कोई भी टैक्स ना ले, या जहाँ की सरकार बहुत कम अमाउंट में टैक्स ले, उसे कहते हैं टैक्स हैवन। तो जो बड़ी बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे स्वीडन हो गया, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, जैसे मॉरिशस हो गया, जैसे पनामा हो गया, जैसे मोरक्को हो गया, ये कंट्रीज कहलाते हैं टैक्स हैवन कंट्रीज। तो टैक्स हैवन का मतलब होता है वो देश, वो कंट्रीज जहां की सरकार या तो कोई टैक्स नहीं लेती या बहुत कम अमाउंट में टैक्स ले, उसे कहते हैं टैक्स हैवन। क्यों आखिर वहां की सरकार टैक्स नहीं लेती, क्यों भारत जैसी सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लेती, तो उसके पीछे कारण है इनकम का अनइक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन। जो आय है वो असमान रूप से वितरित है, मतलब वो समानता पूर्वक वितरित नहीं है, इसलिए सरकार लगाती है क्या, टैक्स। दोस्तों जहां पर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वहां पर, मैं आपको बता दूं, जो समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं, जैसे गरीबी, जैसे बेरोजगारी, तो ये भी वहां देखने को नहीं मिलती हैं। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपको पता होना चाहिए कि जो जटिल समस्याएं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनका कारण क्या है, इनका ये क्यों होती हैं, तो इनका कारण है दोस्तों अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो आय है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो असमान रूप से वितरित होती है, इसलिए गवर्नमेंट लगाती है क्या, टैक्स। तो ये दोस्तों ये बड़े हैवी पॉइंट्स हुए और ये यूपीएससी के मेंस में काम आते हैं कि टैक्स के लिए आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताइए, या टैक्स क्यों लगाया जाता है इसके बारे में एनालिसिस करिए, तब वहां पर ये यूज होते हैं इतने टर्म्स।
कि आखिर टैक्स को लगाने का उद्देश्य क्या है या टैक्स कैसे इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, इस प्रकार के सवाल आप वहीं पर सॉल्व कर पाएंगे ना। अब दोस्तों, अब आपको यहां पर दो और अच्छे टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। एक टर्म होता है जिसे कहते हैं इंसीडेंस ऑफ टैक्स, इंसीडेंस ऑफ टैक्स। एक होता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स। तो एक होता है इंसीडेंस ऑफ टैक्स और एक होता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स। एक होता है करापात और एक होता है कराधान। ये क्या है? व्हाट इज इंसीडेंस ऑफ टैक्स, व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ टैक्स? दोस्तों, जहां पर टैक्स इंपोज्ड हो, अर्थात जहां पर टैक्स लेवाए लागू हो, उसे कहते हैं इंसीडेंस ऑफ टैक्स। और जहां पर टैक्स का पेमेंट हो, भुगतान, उसे कहते हैं इंपैक्ट ऑफ टैक्स। दोस्तों, टैक्स का लागू होना, लगना, इस कॉल्ड इन इंसीडेंस ऑफ टैक्स। और जहां टैक्स पेमेंट हो, भुगतान, उसे कहते हैं इंपैक्ट ऑफ टैक्स। निशांत कुमार ने कहा कि इफ टैक्स हेवन कंट्री में, क्या टैक्स हेवन कंट्री में गवर्नमेंट को इनकम कैसे होता है? तो देखो, बता दें, जो टैक्स हेवन कंट्रीज है निशांत, तो वो टैक्स हेवन इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनकम के और भी अदर सोर्सेज हैं। और भी अदर सोर्सेज बोला जाए तो जैसे सरकार के पास अन्य सोर्सेज हैं, जैसे सरकार के पास अलग अलग जो सरकार की कंपनियां हैं वहां पर, जैसे हमारे हिंदुस्तान की कंपनी हो गई भेल, गेल, सेल, ONGC, NTPC, जो सरकार की वहां सरकारी बैंक्स हैं, या मान लो हम कहें कि वहां पर जो सरकार के स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मेट्रोज हैं, ये सरकार के द्वारा ओन्ड हैं और यहां पर सरकार इनसे अत्यधिक मात्रा में और सफिशियंट अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। और दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ की जो सरकार है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो सरकार है, उनका बजट हमेशा सरप्लस में होता है और उनका जो एक्सपेंडिचर पार्ट है, जो व्यय का हिस्सा है, वो भी कम होता है। इसलिए वहाँ की सरकार टैक्स कम लगाती है या ना के बराबर लगाती है। निशांत कुमार, तो टैक्स कौन से विभाग में जाता है? तो अभी आपको बताएंगे, टैक्स कलेक्शन के दो विभाग हैं जिनके बारे में थोड़ी देर में अभी ज्ञान देते हैं सोनू, राइट ना। अब दोस्तों, दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सो व्हाट इज प्रत्यक्ष, व्हाट इज अप्रत्यक्ष, जरा ध्यान से सुनिए। तो प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो इसे जरा ध्यान से सुनना भाई। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है, प्रत्यक्ष कर का मतलब है, एक वो टैक्स जो जिस व्यक्ति के ऊपर लागू हुआ, जिसके ऊपर लेवाए हुआ, उसी व्यक्ति ने उसका भुगतान किया। इम्पोज्ड एंड पेड बाय सेम इंडिविजुअल। दोस्तों, ऐसा वो टैक्स जो लागू मेरे ऊपर होता है, पेमेंट भी मैं ही करता हूं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष, राइट। इसका मतलब क्या कि वो टैक्स जहां पर इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पोज्ड ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द सेम इंडिविजुअल। ऐसे दोस्तों, ये मैं बहुत इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं क्योंकि इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा झेले जाते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लागू हो रहा है, वही व्यक्ति टैक्स का पेमेंट कर रहा है, तो उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। और वो टैक्स जो लेवाए, लागू या इम्पोज्ड ऑन समवन बट पार्शियली का मतलब है आंशिक, का मतलब है कुछ, या होली मतलब पूरा, पेड बाय समवन एल्स, इसका मतलब एक वो कर जो लागू मेरे ऊपर हुआ, पार्शियली और होली, पेड बाय समवन एल्स, मतलब एक वो कर जो लागू तो मेरे ऊपर हो रहा है लेकिन आंशिक, कुछ या पूरा का पूरा भुगतान कोई और कर रहा है, उसे हम कहेंगे
इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाइए, मतलब ये कि आप प्रत्यक्ष कर वो कर हैं जहां पर इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स बोर्न बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल, जहां पर लागू किसी और पर है लेकिन आंशिक कुछ या होली पूरा का पूरा पे कोई और कर रहा है, इसका मतलब उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और उसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष कर। मतलब वे कर जो लागू किसी और पर हो रहे हैं लेकिन आंशिक कुछ या होली पूरा का पूरा पेमेंट कोई और कर रहा है उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, उसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष कर। मतलब वे कर जहां पर इंसिडेंस और इम्पैक्ट बॉर्न बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल, इंसिडेंस एक पर इम्पैक्ट किसी और पर, प्रभाव मतलब लागू कहीं और उसका पेमेंट कोई और, तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। और अच्छी तरह आपको समझाने के लिए मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जरा ध्यान से सुनना, मैं ऐसे भी कह सकता हूं डायरेक्ट टैक्सेस वे टैक्सेस हैं जिनका बर्डन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं हो सकता, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वे टैक्सेस हैं जिसका बर्डन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट हो सकता। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को तीन अलग अलग परिभाषाओं, तीन अलग अलग लैंग्वेज में डिफाइन, तीन अलग अलग सेंटेंसेस में डिफाइन किया। पहले इम्पोज एंड लेवाइड ऑन समवन, एंड इम्पोज और लेवाइड और पेड बाय द सेम पर्सन, लागू और पे भुगतान एक ही व्यक्ति के द्वारा। यहाँ पर मैंने बोला क्या इम्पोज्ड, यहाँ पर मैंने बोला इम्पोज्ड बाय समवन बट पार्शियली और होली पेड बाय समवन एल्स, लागू किसी पर लेकिन आंशिक कुछ या पूरा का पूरा भुगतान कोई और। यहाँ पर मैंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही व्यक्ति, यहाँ पर इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग व्यक्ति, यहाँ पर मैंने कहा बर्डन शिफ्ट नहीं होता, यहाँ मैंने कहा बर्डन शिफ्ट होता। तो दोस्तों इतने सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको और अच्छे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सीखना है तो मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं। तो दोस्तों इसका एग्जांपल जो है, इसका उदाहरण है वो है इनकम टैक्स, वो है आयकर। जल्दी बताओ दोस्तों मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगा, पेमेंट भी तो मैं ही करूंगा, दोस्तों पेमेंट भी तो मैं ही करूंगा, तो ऐसे मैं कहूंगा डायरेक्ट टैक्स है। मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाए वही व्यक्ति इसका भुगतान करे तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसलिए इनकम टैक्स, भाई मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगा, पेमेंट क्या मेरा पड़ोसी देगा, मैं खुद दूंगा, इसका मतलब इसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स, इसे कहेंगे प्रत्यक्ष कर। अगर मुझे इनडायरेक्ट टैक्स को आपको और अच्छे से डिफाइन करना है तो इसका एग्जाम्पल होगा वैट। जैसे हम पहले सेल्स टैक्स या पहले उससे पहले सेल्स टैक्स कहा करते थे, फिर हमने 2008 में छः के बाद हमने इसे बोलने लगे वैट, और आजकल हम इसे बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों वैट को जिसको पहले बोलते थे सेल्स टैक्स विक्री कर, जरा ध्यान से सुनना, अभी मैं वैट को वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य संवर्धन कर या मूल्य योग कर, तो वैल्यू एडेड टैक्स इसे हम क्यों कहते थे ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम वैट की सरल भाषा में अगर परिभाषा दें, सरल भाषा में इसको डिफाइन करें, तो वैट का मतलब है जब भी कोई कस्टमर किसी वस्तु को खरीदता है और वो वहाँ पर जो टैक्स देता है उसे कहते हैं वैट। जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा तो मैंने पे किया क्या वैट, दोस्तों मैंने ये एलईडी खरीदी तो मैंने पे किया क्या वैट, मैंने ये कैमरा खरीदा मैंने पे किया क्या वैट, मैंने ये एसी खरीदा पे किया वैट। तो अगर हम वैट को एक लैंग्वेज में एक वर्ड में डिफाइन करें तो वैट का मतलब एक वह टैक्स जब कोई कस्टमर किसी वस्तु को खरीदे, किसी कमोडिटी किसी भी वस्तु को खरीदे और वो वहां पर पे करे क्या वैट, राइट। जैसे दोस्तों ये कैमरा, अभी मैं वैट को बहुत अच्छी तरह डिटेल में डिफाइन करूंगा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें, अभी सिर्फ समझें कि मैं बोलना क्या चाह रहा। जैसे मैं ये जब ये कैमरा खरीदा तो मैंने पे किया क्या वैट, मैंने पे किया वैट, इसे पहले सेल्स टैक्स बोलते थे, लेकिन एक्चुअली इस कैमरे के ऊपर जो वैट लगा वो सरकार ने लगाया प्रोड्यूसर के ऊपर, उत्पादक के ऊपर, इसका मतलब इम्पोज्ड ऑन समवन बट पार्शियली और होली इसे पे किया किसने, मैंने, इसका मतलब पेमेंट बाय समवन एल्स, इसका मतलब इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग व्यक्ति, इसका मतलब बर्डन क्या हो गया शिफ्ट हो गया, इसलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों जो टैक्सेस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो डायरेक्ट होंगे या वो इनडायरेक्ट होंगे। तो ये हो गए टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन आर कंट्री,
राइट, थैंक यू सो मच संजय एंड वसीम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टैक्सेशन के ज्ञान को थोड़ा सा और आप लोगों को देते हैं। जब तक उम्मीद है आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा, मैं ये वाला हिस्सा मिटाने जा रहा हूँ। दोस्तों अब देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं टैक्स में आप लोगों के लिए। और दोस्तों बिल्कुल साथ साथ में लिखते जाइए और बिल्कुल साथ साथ में नोट्स बनाइए। वंडरफुल काम करिए, अपना खाना खुद पकाइए, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने में और खाना खाने में। अब दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि तीन टाइप्स के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं। अगर मुझे टैक्सेशन सिस्टम को डिफाइन करना हो तो कौन कौन से टैक्सेशन सिस्टम हैं, तो एक होता है जैसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रगतिशील कराधान व्यवस्था, प्रगतिशील कराधान। दूसरा होता है दोस्तों रीग्रेसिव टैक्स। सो व्हाट इज रीग्रेसिव टैक्स? तो रीग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है प्रतिगामी कराधान। दोस्तों एक तो हो गया प्रोग्रेसिव और एक रीग्रेसिव, प्रतिगामी। और तीसरा हो गया दोस्तों प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, जैसे हम बोलते हैं अनुपातिक कराधान। तो दोस्तों एक हो गया प्रोग्रेसिव, एक हो गया रीग्रेसिव और एक हो गया प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। हिंदी में इसे कहते हैं अनुपातिक कराधान। तो ये तीन टाइप के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं किसी भी कंट्री में। या तो जो टैक्सेशन सिस्टम है किसी कंट्री का, या तो वो प्रोग्रेसिव होगा, या वो रिग्रेसिव होगा, या वो प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब है अनुपातिक कराधान। तो ये तीन टाइप्स के टैक्सेशन सिस्टम हैं, ज़रा ध्यान दीजिए और बढ़िया तरीके से इन तीनों को सुनिए। एक तो होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिग्रेसिव और एक होता है प्रोपोर्शनल। तो ये प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल ये क्या है, तो सुनिए दोस्तों। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है प्रगतिशील, प्रगतिशील। इसका मतलब है दोस्तों मोर इनकम, मोर इनकम मोर टैक्स। दोस्तों अधिक आय अधिक कर, दोस्तों दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। मोर इनकम और मोर टैक्स, इसका उल्टा कर लो दोस्तों, लेस इनकम लेस टैक्स या मोर इनकम मोर टैक्स। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और टैक्स ज़्यादा है देन इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव। अगर आपकी मोर इनकम मोर टैक्स देन इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव। जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव। इसी तरीके से व्हाट इज़ रिग्रेसिव, ज़रा समझना। तो इसका मतलब है मोर इनकम, मतलब आपकी इनकम तो अधिक है, हिंदी में अधिक आए लेकिन लेस टैक्स। या मैं ऐसे बोलूं कि लेस इनकम, अगर आपकी इनकम कम है लेकिन मोर टैक्स, आपका टैक्स ज़्यादा है देन इट इज़ कॉल्ड रिग्रेसिव। लेस इनकम का मतलब है इनकम अगर कम है और टैक्स रेट ज़्यादा है तो लेस इनकम मोर टैक्स, या उल्टा बोल दो मोर इनकम लेस टैक्स। तो ऐसे हम बोलते हैं प्रतिगामी कर। दोस्तों दो तरह के कराधान, दो तरह के टैक्सेशन सिस्टम हमने देखे। एक तो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, जहां हमने कहा मोर इनकम मोर टैक्स, और एक हमने देखा प्रतिगामी, जहां हमने कहा कम आए तो अधिक कर। तो दोस्तों ये दो तरह के टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिले। इसके अलावा जो तीसरा टैक्सेशन होता है प्रोपोर्शनल, ये कहता है कि जो टैक्स रेट जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, वो समान होगा एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। मतलब ऑल लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम चाहे कम हो या इनकम ज़्यादा हो। लुक एट द बोर्ड, टैक्स रेट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस इज द टैक्स रेट। टैक्स रेट विल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड दिस इज द इनकम, चाहे कम या इनकम ज़्यादा। दोस्तों चाहे इनकम कम हो या इनकम ज़्यादा हो, जो टैक्स रेट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो समान रहेगा, उसे हम कहेंगे रिग्रेसिव प्रोपोर्शनल टैक्स, उसे हम कहेंगे अनुपातिक कर व्यवस्था। सुनते जाइए दोस्तों, बहुत बढ़िया ज्ञान मिलने वाला है यहाँ पर। ज़रा देखिए, तो प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आपका इनकम चाहे ज़्यादा हो या इनकम कम हो, लेकिन जो टैक्स है वो कॉन्स्टेंट होगा, जो टैक्स है वो समान रहेगा। प्रोग्रेसिव में मैंने कहा कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपका जो टैक्स रेट है वो भी ज़्यादा है, तो इसे हमने कहा प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव का मतलब है अगर इनकम ज़्यादा तो टैक्स रेट भी ज़्यादा। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? तो रिग्रेसिव का मतलब है इनकम कम टैक्स ज़्यादा।
प्रोपोर्शनल का मतलब है अनुपातिक कराधान प्रणाली का मतलब है कि जहां पर टैक्स रेट कांस्टेंट है, चाहे इनकम ज्यादा हो या कम हो, तो ऐसे हम कहेंगे प्रोपोर्शनल। और अच्छी तरह सीखिए दोस्तों, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, या आप मुझे बताइए कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है और टैक्स इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, तो मुझे बताइए कि इसका मोर बर्डन, इसका अधिक बर्डन किस पर पड़ेगा? जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी। इसका अधिक बर्डन किस पर पड़ेगा, रिच पर या पुअर पर? अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आपको ज्यादा टैक्स देना है, तो ज्यादा बर्डन रिच पर पड़ेगा, अमीरों पर पड़ेगा, और इसका कम बर्डन, लेस बर्डन, पुअर पर पड़ेगा, गरीबों पर पड़ेगा। अगर यहां देखिए इनकम आपकी कम है, टैक्स आपका ज्यादा है। अगर आपकी इनकम कम है और टैक्स ज्यादा है, तो जरा ध्यान दीजिए, इनकम कम टैक्स ज्यादा, तो इसका मोर बर्डन। अगर आपकी इनकम कम है और टैक्स ज्यादा है, तो इसका मोर बर्डन पुअर, गरीबों पर पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले यही सुनिए सिर्फ प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव में मैंने कहा कि अधिक आय अधिक कर, इसका मतलब जो अमीर हैं उन्हें ज़्यादा टैक्स देना होगा, गरीबों को टैक्स कम देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो रिग्रेसिव टैक्स है, इसमें मैंने कहा इनकम कम लेकिन टैक्स ज़्यादा, तो इसका मतलब जो गरीब हैं, पुअर हैं, उन्हें ज़्यादा टैक्स बर्डन पड़ेगा, और जो अमीर हैं उन्हें कम टैक्स बर्डन पड़ेगा। तो ये दो टाइप्स के टैक्सेशन सिस्टम हमने देखे, एक प्रोग्रेसिव और एक रिग्रेसिव। अगर मुझे और थोड़ा अच्छे से बताना है, तो मैं ऐसे बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनते जाइए, कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, जो प्रगतिशील टैक्सेशन है, अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं इसका उदाहरण दूँ, तो इसका एग्जाम्पल होगा इनकम टैक्स। जैसे दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में आप लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आप लोगों का टैक्स रेट भी बढ़ता है। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जैसे 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 इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता है। इसका मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल, प्रोग्रेसिव टैक्स का उदाहरण क्या हुआ, इनकम टैक्स हुआ, आयकर हुआ। अगर हम देखें रिग्रेसिव टैक्सेशन को, तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। क्यों दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स इसलिए, जरा ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को एनालाइज करना और जरा समझना। भाई एक दुकान पर एक बंदा गया शर्ट खरीदने, जिसकी इनकम थी 4-5 लाख रुपए महीना। उसी दुकान पर एक और बंदा गया शर्ट खरीदने, जिसकी इनकम थी 50-60 हजार रुपए महीना। दोनों ने शर्ट खरीदी, एक उस व्यक्ति ने जिसकी इनकम 4-5 लाख रुपए है महीने की, और एक उस व्यक्ति ने भी जिसकी इनकम 60-70 हजार है। तो दोनों ने उस शर्ट पर सबसे पहले तो बताइए क्या दिया, वैट। एवरीबडी, दोनों ने उस शर्ट पर क्या दिया, वैट। इसका मतलब है कि उस वैट का ज्यादा बर्डन किस पर पड़ा, जो दोस्तों इनकम कम थी। इसका मतलब इसकी इनकम 60-70 हजार रुपए महीने थी, उस पर बर्डन पड़ा ज्यादा। तो जरा देखिए, लेस इनकम मोर टैक्स, बर्डन ऑन पुअर, तो ऐसे कहते हैं रिग्रेसिव। अब दोस्तों जरा ध्यान से एक स्टेटमेंट सुनिए, आपको बिल्कुल शानदार ज्ञान मिलेगा कि ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव। जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं, वो कहलाते हैं प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। इसी प्रकार से जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, दे आर कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स है। जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि सभी प्रत्यक्ष कर प्रोग्रेसिव होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी रिग्रेसिव होते हैं। और दोस्तों अब ध्यान सुनिए, मैंने कहा था कि प्रोपोर्शनल को अभी साइलेंट पड़ा रहने देते हैं, लेकिन अब इसको जिंदा करते हैं। तो सुनना क्या, कि जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है, जो प्रतिगामी कराधान है, वो बाय डिफॉल्ट प्रोपोर्शनल ही है। सो व्हाट इज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, तो जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है, जो प्रतिगामी कराधान व्यवस्था है, वो बाय डिफॉल्ट, मतलब वैसे अपने आप वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। जैसे जो वैट, अगर मैं वैट की बात करूं, तो चाहे आपकी इनकम ज्यादा हो या आपकी इनकम कम हो, जब आप ये शर्ट या ये मार्कर या ये कैमरा, ये एलईडी, ये एयर कंडीशनर जब खरीदने जाएंगे, तो आपको टैक्स देना होगा कम और टैक्स देना होगा बराबर।
चाहे आपकी इनकम ज्यादा हो चाहे इनकम कम हो, टैक्स रेट क्या है, सबके लिए बराबर। तो इसका मतलब जो वैट है वो एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स तो है ही, लेकिन वो साथ में एक प्रोपोर्शनल टैक्सेशन भी है। इसका मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जो इनडायरेक्ट कराधान है और इनडायरेक्ट टैक्स है, वो बाय डिफॉल्ट क्या प्रोपोर्शनल तो है ही। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट वो प्रोपोर्शनल होते हैं। एक स्टेटमेंट और बहुत बढ़िया, जो इनकम जो डायरेक्ट टैक्स हैं, जो प्रत्यक्ष कर हैं, एक लिमिट के बाद ये ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल बन जाते हैं। देखिए दोस्तों क्या वंडरफुल स्टेटमेंट कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही प्रोपोर्शनल हैं, और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रत्यक्ष कर जो हैं वो एक लिमिट के बाद अपने आप बन जाते हैं प्रोपोर्शनल। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अगर आप लोगों की इनकम 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है 30%। अगर आपकी इनकम 20 लाख है 30%, 40 लाख है 30%, 50 लाख है 30%। इसका मतलब है टैक्स रेट सेम है 10 लाख की इनकम के ऊपर वालों का। तो इसका मतलब एक लिमिट के बाद जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो अपने आप प्रोपोर्शनल बन जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। और ध्यान से सुनिए एक स्टेटमेंट कि किसी भी कंट्री का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो इंडिपेंडेंटली वो स्वतंत्र रूप से प्रोपोर्शनल नहीं होता। हर कंट्री का जो टैक्सेशन सिस्टम है या तो वो प्रोग्रेसिव होगा या वो रिग्रेसिव होगा, या हिंदुस्तान जैसा कुछ प्रोग्रेसिव भी होगा कुछ रिग्रेसिव भी होगा। मतलब किसी भी कंट्री का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो स्वतंत्र रूप से प्रोपोर्शनल अनुपातिक नहीं होता है। वो हमेशा या तो प्रोग्रेसिव होगा या रिग्रेसिव, क्योंकि रिग्रेसिव ही प्रोपोर्शनल है और एक लिमिट के बाद प्रोग्रेसिव भी प्रोपोर्शनल बन जाता है। तो ये हो गए 3 types ऑफ टैक्सेशन सिस्टम किसी भी कंट्री के। सो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट और प्रोपोर्शनल, राइट। सर कोई मैन विदेश में जाकर अपनी इनकम पर जो वो टैक्स दोनों देश को देगा क्या सर जी? तो सोनू फतेहाबाद, आपके सवाल का जवाब आपको आने वाली क्लास में मिल जाएगा, लेकिन चूंकि आपने सवाल अभी पूछा है तो मैं अभी बता देता हूं कि यदि कोई भी बंदा विदेश में रहता है और वहां पर इनकम कमाता है तो वो हमारे हिंदुस्तान में, थैंक यू सो मच, तो वो हमारे हिंदुस्तान में टैक्स देगा या उस कंट्री में देगा, तो ये डिसाइड करेगा दोस्तों कौन। तो इसके लिए हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने कुछ अलग नियम कानून बना रखे हैं। तो जिसे आप लोग थोड़ा सा आइडिया देते हैं, तो एक होता है दोस्तों GAAR, ध्यान सुनिए गार का मतलब क्या है। तो गार का मतलब है दोस्तों जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। मतलब इनका सवाल है सोनू फतेहाबाद का कि यदि कोई बंदा विदेश में इनकम कमाता है तो क्या वो इनकम पर टैक्स दोनों देश को देगा या एक टैक्स के देश को देगा या किसको देगा। तो दोस्तों एक हमारे हिंदुस्तान में है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। इसके अंतर्गत एक होता है DTAA। सो व्हाट इज DTAA, जरा ध्यान सुनिए। DTAA का मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सो DTAA का मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर दोस्तों जैसे हिंदुस्तान ने बहुत सारे देशों के साथ DTAA एग्रीमेंट साइन कर रखा है, DTAA एग्रीमेंट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो रखे हैं इंडिया के और किसी देश के, तो इसका मतलब है अगर उस देश में किसी व्यक्ति ने पैसा कमाया और उस पैसे पर वहां टैक्स दे दिया तो जब वो पैसा इंडिया भेजेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी कंट्री में हमने जिसके साथ DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखे हैं तो अगर हमने वहां पैसा कमाया तो वहां भी टैक्स देना होगा, और उस पैसे को इंडिया भेजा तो इंडिया में भी टैक्स देना होगा। इन सब के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो DTAA से वगैरह काम वगैरह हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो कर रहा है सोनू फतेहाबाद गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं कि भारत में किसी कंट्री किस किस कंट्रीज के साथ DTAA सिग्नेचर कर रखा है। तो ऐसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल।
इसी तरीके से अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते हम बहुत सारे नए नए टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखेंगे। जैसे हमने डायरेक्ट टैक्स देख लिया, अब मैं मिटाने जा रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। जैसे हमने डायरेक्ट देख लिया, इनडायरेक्ट देख लिया, प्रोपोर्शनल देख लिया, प्रोग्रेसिव देख लिया, अभी हम दोस्तों प्रोपोर्शनल प्रोग्रेसिव, इसी प्रकार से और भी कुछ टाइप्स के टैक्सेस होते हैं। जैसे दोस्तों एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं, एक और टैक्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। तो स्पेसिफिक टैक्स का मतलब है हिंदी में विशेषीकृत कर, जो हिंदी में वो तुरंत लिख लें विशेषीकृत कर। तो स्पेसिफिक टैक्स, विशेषीकृत कर का मतलब है दोस्तों एक वो टैक्स जो सरकार लगाए ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेथ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। अगर सरकार इनको बेस बनाए और इनको आधार बनाकर टैक्स लगाए देन इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स, उसे कहते हैं विशेषीकृत कर। जैसे अगर हम कोई भी वस्तु विदेश से इंपोर्ट करते हैं, कोई भी वस्तु विदेश से लाते हैं, तो सरकार उसके ऊपर लगाती है टैक्स। किस आधार पर? तो सरकार लगाती है कि कितना वजन का आइटम ला रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ला रहे हैं, कितनी लेंथ है, ब्रेथ है, क्या साइज है। अगर सरकार इनको मद्देनजर रखते हुए कोई टैक्स लगाए तो उसे हम स्पेसिफिक टैक्स, हिंदी में विशेषीकृत कर कहते हैं। ऐसी दोस्तों एक और टैक्स होता है जिसे हम टॉबिन टैक्स कहते हैं। सो व्हाट इज टॉबिन टैक्स? तो टॉबिन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये जेम्स टॉबिन एक बहुत बड़े यूएस इकोनॉमिस्ट थे, तो जेम्स टॉबिन साहब ने इस टैक्स को डिफाइन किया। और टॉबिन टैक्स का मतलब होता है दोस्तों एक वो टैक्स जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसीज के ट्रांजेक्शन पर लगाया जाए, एक वो टैक्स जो फॉरेन करेंसीज के ट्रांजेक्शंस पर लगाया जाए, विदेशी मुद्राओं के लेन देन पर लगाया जाए। फॉरेन करेंसीज के ट्रांजेक्शन से भी ज़्यादा अच्छा बोलूँ कि फॉरेन करेंसीज के एक्सचेंज पर लगाया जाए। ऐसे मैं गया अब एक बैंक SBI, मैंने कहा कि ये लो 2 लाख इंडियन रुपी और मैं जा रहा हूँ अमेरिका, मुझे डॉलर में कन्वर्ट करके दे दो। तो दोस्तों जब मैंने इंडियन रुपी को डॉलर में एक्सचेंज कराया, परिवर्तित कराया, उस समय जो टैक्स लगा उसे हम इकोनॉमिक्स की कोर भाषा में इस टॉबिन टैक्स कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक होता है पाइगोवियन टैक्स। सो व्हाट इज पाइगोवियन टैक्स? जरा ध्यान देना, पाइगोवियन टैक्स आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे दोस्तों, इसलिए जरा ध्यान सुनिए, ये कुछ नए टाइप्स के टैक्सेस हैं। पाइगोवियन टैक्स का मतलब है दोस्तों एक वो टैक्स, एक वो कर जो उन एलिमेंट्स पर लगाए जाएं, उन चीज़ों पर लगाए जाएं, एलिमेंट्स पर जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ऑन एनवायरनमेंट। दोस्तों यदि कोई भी टैक्स उन चीज़ों पर लगाया जाता है, उन एलिमेंट्स पर लगाया जाता है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़े एनवायरनमेंट के ऊपर, वातावरण के ऊपर, उसे पाइगोवियन टैक्स कहते हैं। जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जैसे US में लगता है कार्बन टैक्स। दोस्तों कार्बन बहुत हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट, वातावरण के लिए। अगर दोस्तों वहाँ की सरकार एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, वातावरण के प्रोटेक्शन के लिए कार्बन टैक्स लगाती है तो इसे बोलते हैं पाइगोवियन टैक्स। रिसेंटली सिंगापुर में पाइगोवियन टैक्स स्टार्ट हुआ है और दिल्ली में भी एक NGT जो हमारे हिंदुस्तान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई गई, उसने अभी बीच में क्या कहा था कि जो लॉरीज आ रही थी, लॉरीज ट्रक लोडेड विद माल, कोई भी लॉरी जब दिल्ली में एंटर कर रही थी तो उसे एक पर्ची काट के दे रहे थे 650-750 रुपए तक की, तो उसे हम कहते थे ग्रीन टैक्स। तो ग्रीन टैक्स दिल्ली में लगाया गया किस लिए? फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। तो उसे हमने बोला कौन सा टैक्स है? पाइगोवियन टैक्स है। तो एक और टाइप्स का टैक्स आया। ऐसे ही दोस्तों एक और टाइप्स का टैक्स होता है जिसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों ये सिंटैक्स क्या है, जरा ध्यान सुनना। सिंटैक्स का मतलब है एक वो टैक्स जो उन एलिमेंट्स पर लगे, उन चीज़ों के ऊपर लगे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। लेकिन कहाँ? जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े ह्यूमन बॉडी पर, मानव शरीर पर, तो उसे हम कहते हैं कौन सा टैक्स? सिंटैक्स। जैसे दोस्तों हमारी सरकार टैक्स लगाती है ह्यूमन बॉडी, तो हमारी सरकार टैक्स लगाती है किसके ऊपर? हमारी सरकार टैक्स लगाती है अल्कोहल, दारू के ऊपर,
सरकार टैक्स लगाती है टोबैको तंबाकू के ऊपर, तो ऐसे हम लोग कहते हैं सिन टैक्स, क्योंकि ये मानव शरीर को नकारात्मक रूप से हानिकारक होते हैं और नकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं। तो दारू के ऊपर, टोबैको के ऊपर, सिगरेट के ऊपर जो सरकार टैक्स लगाती है उसे हम सिन टैक्स कहा करते हैं। एक और टैक्स होता है दोस्तों जिसे हम टर्मिनल टैक्स कहते हैं। सो व्हाट इज टर्मिनल टैक्स? तो टर्मिनल टैक्स का मतलब हुआ दोस्तों एक वो टैक्स, एक वो कर जो जो किसी भी गुड्स, किसी भी आइटम पर लगे या किसी भी पैसेंजर पर लगे, सवारी पर लगे। दोस्तों ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो टैक्स जो किसी वस्तु या किसी पैसेंजर पर लगे जब वो ट्रैवल करे, किससे? एयर से, एयर से, या किससे? सी से, या किससे दोस्तों? एयर, सी या रेल, उसे हम कहेंगे सिन टैक्स। दोस्तों चार वेज हैं हमारे हिंदुस्तान में, जरा ध्यान सुनिए। एक रोडवेज, एक रेलवेज, एक एयरवेज, एक सी वेज। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ज्ञान देके जाऊंगा कि जो रोडवेज है, जो रोडवेज सड़क यातायात है, वो राज्य सरकार के अंडर में आती है। ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, किसके अंडर में आती है? राज्य सरकार के अंडर में आती है। दोस्तों रोडवेज को छोड़कर, रोडवेज को छोड़कर रेलवेज, एयरवेज, सीवेज, इन तीनों यातायातों से, इन तीनों जरियों से कोई भी पैसेंजर या कोई भी वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, उस समय जो टैक्स लगता है उसे हम लोग कौन सा टैक्स? टर्मिनल टैक्स कहते हैं। तो टर्मिनल टैक्स का मतलब हुआ एक वो टैक्स जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर लगे जब वो रेलवेज, एयरवेज या सीवेज से एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो दोस्तों ये रहे द विभिन्न प्रकार के टैक्सेस, अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस। दोस्तों आज की हमने क्लास देखिए शुरू करी कहाँ से, टैक्सेशन की, कि टैक्स होता क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया, टैक्स कहते किसे हैं, फिर हमने बात की टैक्स लगाया किस लिए जाता है, तो रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, देश के विकास के लिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, डिफेंस पर पैसा खर्च करने के लिए, सब्सिडीज पर, रोड्स, डैम्स, ब्रिज पर, और इन सबसे परे इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने पर, और इससे अच्छा इनकम इनइक्वालिटी को, इनकम इक्वालिटी, आय में विषमता को आय में समानता की ओर ले जाने के लिए। इससे इसके अलावा हमने बात करी कि दो प्रकार के टैक्सेशन तरीके होते हैं, दो प्रकार की चीजें, एक इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, एक इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस का मतलब है जहां पर टैक्स लागू हुआ, और इम्पैक्ट का मतलब है जिसने टैक्स का पेमेंट किया। फिर हमने बात की डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, वो कर जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, जिस पर लागू हुआ वही पे करेगा डायरेक्ट, लेकिन वो टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता, इसका मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल, इसका मतलब बर्डन शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है, वेट इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद हमने बात करी तीन टाइप्स के टैक्सेशन सिस्टम, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। तो हमने देखा प्रोग्रेसिव, मोर इनकम मोर टैक्स, मोर बर्डन ऑन रिच। रिग्रेसिव, लेस इनकम मोर टैक्स एंड लेस बर्डन ऑन रिच एंड मोर बर्डन ऑन पुअर। और जो प्रोपोर्शनल है, टैक्स रेट सेम, इनकम चाहे ज्यादा या कम। तो हमने देखा कि जो रिग्रेसिव है उसी को प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और एक लिमिट के बाद प्रोग्रेसिव भी प्रोपोर्शनल बन जाता है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखे, आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने देखा स्पेसिफिक टैक्स, वेट, साइज, क्वांटिटी, लेंथ, ब्रेथ के आधार पर लगे। टॉबिन टैक्स फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन पर लगे। पैगोबियन टैक्स जो एनवायरनमेंट को प्रदूषित करे उन पर लगे। सिन टैक्स जो लोगों के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे उन पर लगे। टर्मिनल टैक्स जो गुड्स और पैसेंजर्स पर लगे रेलवेज, एयरवेज या सीवेज के द्वारा, और रोडवेज हमारे राज्य सरकार का पार्ट है। थैंक यू सो मच रेखा चौधरी एंड थैंक यू सो मच संजय कुमार। सर सेस क्या होता है? तो दीनाराम चौधरी, ये हमारी अगली क्लास का डिस्कशन है, चिंता नहीं करिए। दोस्तों हम बताएंगे आपको कि सेस क्या होता है, साथ में बताएंगे सरचार्ज क्या होता है। इतना ही नहीं, सेस और सरचार्ज दोनों में अंतर बताएंगे, बाकी जवाब अभी दे देते हैं क्योंकि क्वेश्चन अभी पूछा है। तो जवाब है टैक्स ऑन टैक्स है, अगर टैक्स के ऊपर टैक्स लगे तो उसे सेस कहते हैं। एक्सप्लेन हम अगली क्लास में करेंगे और दिमाग के अंदर जिंदगी भर के लिए इंस्टॉल भी करेंगे। दोस्तों इसे हम कहते हैं कि टैक्स क्या है, राइट? सो रचना ने कहा क्या कि आज पता चला टैक्स क्या होता है। थैंक यू सो मच सर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो भी जॉब लगेगी आपसे पक्का मिलूंगी, मैं जम्मू से हूँ। ओके रचना जी, थैंक यू सो मच। और अभी ये टैक्सेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अभी ये टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन है,
अभी मैं टैक्सेशन को कम से कम 2-2.5 घंटे की क्लास और लूंगा और 2-2.5 घंटे में दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से टैक्सेशन सिखाऊंगा। और अभी सिर्फ टैक्सेशन का एक छोटा सा इंट्रो हुआ है, अगली क्लास स्टार्ट होगी कहां से तो सुन लीजिए, इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अलग टैक्सेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्सेज हैं, केंद्र सरकार के अलग कर हैं, राज्य सरकार के अलग। इतना ही नहीं, ये भी बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, इन डिटेल डिस्कशन होगा। जब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटर और स्टेट के होंगे, इसके बाद ले चलेंगे टैक्सेशन और कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया में, मतलब हमारा संविधान टैक्सेशन से रिलेटेड क्या क्या बातें करता है। तो वहां पर बहुत सारी बातें हैं, आर्टिकल नंबर 268, 269, 272, आर्टिकल नंबर 275, आर्टिकल नंबर 282, आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल नंबर 292, आर्टिकल नंबर 293, फाइनेंस कमीशन, इतनी सारी बातें होंगी। फिर लास्ट पार्ट चलेगा, तकरीबन 45 मिनट से एक घंटे की क्लास होगी, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तब जाके दोस्तों हमारा टैक्सेशन फिनिश होगा। जब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच AK47 नाउ। सो हैव अ नाइस एंड वंडरफुल इवनिंग। गुड बाय एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।